वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आपने मोस्टली और कॉमनली आपने ये चीज जो है लोगों से सुनी होगी और इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है वो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे, यानी खून की उल्टियां। ये आपने कॉमनली सुना तो होगा लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या रीजन होती है, क्या वजूहत होती है जिनकी वजह से खून की उल्टी जो है वो इंसान को होती है। आज की वीडियो में आप वो वजूहत जान पाएंगे जिनकी वजह से इंसान को जो है वो खून की उल्टी होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी सिचुएशन के बाद उनकी जो है वो हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप वो वजूहत जान पाएंगे और जल्द बात अगर आप किसी इंसान में ये चीज देखते हैं तो फौरन उसको अवेयर कर सकते हैं या फिर अवेयरनेस दे सकते हैं, या फिर आप यानी अगर आप यानी अगर आपको ये वजूहत पता होंगी तो जाहिर बात आप किसी दूसरे इंसान को बता पाएंगे और दूसरा इंसान जो है वो इसे आगाही के जरिए अपने आपका जो है वो सदबाव कर पाएगा, यानी खुद को बचाने के लिए या किसी और इंसान की लाइफ बचाने के लिए जो है वो कोशिश कर सकता है। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, पूरी तो नहीं, थोड़ी बहुत तो कोशिश की जा सकती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप खून की उल्टी आने की वजूहत के बारे में जान सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, की उल्टी आने की वजूहत क्या हो सकती है। सबसे पहले तो ये है की खून की उल्टी जो है वो मेदे की बीमारी गैस्ट्रिटिस की वजह से जो है वो होती है। इसके अलावा बहुत सी अंदरूनी बीमारियां हैं जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकती हैं, इनकी वजह से भी ये खून की उल्टी जो है वो होती है। जिगर की बीमारी सिरोसिस, ये बीमारी जो है वो शराब और इन्फेक्शन की वजह से होती है, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से खून की उल्टी जो है वो होती है। मेदे का कैंसर है जो कि इस वक्त जाहिर होता है जब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी एंड स्टेजेस पे जाके ये जो है वो जाहिर होता है, इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये उसको हो चुका है, यानी ये देर से जो है वो जाहिर होता है। नेक्स्ट एसोफेगस कैंसर, ये खुराक की नाली का कैंसर होता है जिसकी वजह से जो है वो नेक्स्ट जो है वो मेदे के अल्सर की वजह से ये उल्टी हो सकती है। एक बीमारी जो है वो इंटोसिस सेप्शन, जो कि पेट के अंदर आंत जो है वो फोल्ड हो जाती है, यानी तय हो जाती है, तय सी बन जाती है, जो कि ब्लॉकेज यानी रास्ता बंद होने की वजह बनता है, इसलिए खून की उल्टी जो है वो हो सकती है इंसान को। इबोला वायरस की वजह से है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर जो है उसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है, जिगर के कैंसर की वजह से। और इसके अलावा प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर, प्लेटलेट्स आपको पता है कि जिसमें खून के बहाव को जो है वो कंट्रोल करते हैं, इसमें अगर इसमें खराबी हो जाती है तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी अंदर जो है वो खून बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गुर्दों की बीमारियां जो है इस उल्टी की वजह बनती है। हीमोफीलिया भी ये ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बनते हैं, ये एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक आपको पता है जो वालदैन से बीमारियां जो है वो बच्चों में आती है, ये उनकी वजह से होते हैं। शराब की वजह से, जिगर की बीमारियों की वजह से, खून की कमी की वजह से भी जो है वो खून की उल्टी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा मच्छर की वजह से होने वाला येलो फीवर जो की बुखार और यरकान की शक्ल में जो है वो जाहिर होता है, उल्टी की वजह बनता है। कैंसर वाले ट्यूमर जो कि मुंह में हो सकते हैं, नाक में या फिर प्राइवेट पार्ट्स में, यानी मेल और फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर हो, ये भी खून की उल्टी की वजह हो सकता है। और बवासीर की वजह से और कब्ज की वजह से एनस का कैंसर भी जो है वो उल्टी की वजह होता है। क्लोरीन पॉइजनिंग की वजह से भी खून की उल्टी जो है वो हो सकती है। आफ्टर शेव पॉइजनिंग, आफ्टर शेव आपको पता है मोस्टली मेल्स यूज करते हैं, यानी शेव के बाद जो यूज किया जाता है, अगर ये गलती से निगल लिया जाए, यानी आप गलती से ज्यादा बार जब लगता है तो अचानक से या गलती से अगर मुंह के अंदर चला जाए, तो अगर ये गलती से निगल जाए तो नुकसानदेह असरात जो है वो छोड़ता है, जो कि इस उल्टी की वजह भी बनता है, यानी खून की उल्टी की एक ये भी वजह है। और ये जारी बात इंसान की खुद की छोटी सी मिस्टेक, यानी अगर एहतियात केयरफुल नहीं रहते चीजों को यूज करने में तो जारी बात ये आपके लिए नुकसान, जहाँ ये आमतौर पर आप ये कॉमन यूज की प्रोडक्ट्स होती है जो हम लोग जो है वो रोजाना के बेसिस पर या वीकली यूज कर रहे होते हैं, तो इनकी थोड़ी सी यूज करने में एहतियात में अगर आप गलती करते हैं तो जारी बात ये आपके लिए नुकसान दे सकता है और बाद में ये आपके लिए मजीद नुकसान जो है वो कर सकता है। आप इनमें से किसी भी किस्म की अलामत की सूरत में आप अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता कीजिए, अपना चेकअप जरूर करवाइए, यानी ऐसे किसी भी सिम्टम और अलामत की सूरत में आपको देर नहीं करनी चाहिए, फौरन डॉक्टर से जो है वो अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन जानते हैं या आपको कुछ सिम्टम पता है, जो कि हम अक्सर लोगों में ये सुनते हैं कि फलां इंसान को खून की उल्टी हुई और खून की उल्टी हुई और उसकी डेथ हो वाकया होगी, तो आप अगर इस हवाले से कोई सिम्टम जानते हैं तो प्लीज हमारे साथ अपने इस एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट में लिखकर। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।